सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं अलीगढ़ में एक पुलिसकर्मी को बीजेपी विधायक से पंगा लेना महंगा पड़ गया। पुलिस ने बीजेपी विधायक पर थाने में मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन विधायक को जी उल्टे पुलिस पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा चुके। अब सीएम योगी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उससे पहले थानेदार को सस्पेंड कर एएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये बहस बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और पुलिस के बीच मारपीट के बाद की है, जिसमें पुलिसकर्मी बार बार बीजेपी विधायक से थाने में घुसकर मारपीट करने पर सवाल उठाते हुए सुने जा सकते हैं। आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए, आप सरकार की क्या, अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए, आप हमारे हमें जनता और हमें अपना कर्तव्य तो पता है, आप हमें कर्तव्य पता है, थाने पे घुस के मारपीट करेंगे के साथ। पुलिस के मुताबिक विधायक थाने पहुंचते ही पुलिस वालों पर भड़क गए। इतना ही नहीं, पुलिस वाले विधायक पर हाथ उठाने का आरोप भी लगा रहे हैं, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आप हमारे साथ जो आपको करना है आप हमारे साथ कर लीजिए, हम कर लेंगे, लेकिन आपने मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे आप? हमारे साथ नहीं बच्चों का काम करोगे? हमारी जनता का काम नहीं करोगे आप? एक बात बताइए, ये बताओ नहीं होगा तो मारोगे आप? हैं, आप मारोगे? हमने तो नहीं मारा, तुमने बदतमीजी शुरू की तो हमने नहीं, आपने शुरुआत की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठे आपने कभी आज तक नहीं कहा, आपने हमेशा हमारा अपमान किया, चाहे फोन पे किया हो चाहे आपने बैठ के। मुझे बता दीजिए आपने नहीं किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना, नहीं नहीं, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, और आप जो है मार्केट कर रहे हैं, आप चाहे मेरे साथ करिए पर मैं कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उन्होंने एसओ साहब ने कही के फूट के आदमी है ऐसे मत बोलो, तो खिलने के बेटे कोने पे हाथ छोड़ दो सब। एसओ साहब पे विधायक फिर क्या हुआ? फिर साहब वो है गई। पुलिस वाले विधायक पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी विधायक राजकुमार उल्टे पुलिस वालों पर ही मारपीट करने और कपड़े फाड़कर बदसलूकी करने का आरोप लगा रहे हैं। आज हम मिल बात करने आए तो हम पर तीन तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े, मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन तीन दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसा, तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। थाने में जैसे ही विधायक के साथ पुलिस वालों के मारपीट की खबर फैली, विधायक के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला बढ़ा तो मौके पर अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। मामले में लेकर विधायक जी आज जो है अपने पूरी पार्टी के साथ थाने आए थे, यहाँ पर इनकी थानाध्यक्ष के साथ बात हुई थी जिसमें ये बता रहे हैं, तो इसमें अभी इसकी जांच की जा रही है, जो भी होगा कार्रवाई। विधायक राजकुमार सहयोगी का आरोप है कि जब वह थाने में गए तो एसएचओ के साथ तीन पुलिस अधिकारी ने उनके साथ मारपीट की। सहयोगी के मुताबिक दोगस को पार्टी के एक कार्यकर्ता की संपत्ति विवाद को लेकर किसी ने पिटाई कर दी थी, आरोपी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इसी मामले को लेकर कुछ दिन बाद ही पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया, और जब पीड़ित इसकी शिकायत करने थाना गया तो पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की। इसी का विरोध करने विधायक जी थाने पहुंचे थे, तो विधायक के मुताबिक पुलिस वालों ने उनके साथ भी बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़ दिए। ऐसे में नाराज समर्थन थाने से हटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मामले में जब सतीश गौतम ने हस्तक्षेप किया और बताया कि आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, तब जाकर मामला शांत हुआ। जो विधायक जी के साथ हुआ उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे रूरल एसपी आरे
अतुल शर्मा जी को अलीगढ़ से ट्रांसफर कर दिया गया, एसओ गौड़ा अनु सैनी को सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई की भी सेटअप कर दी गई। इसी बीच बीजेपी विधायक के साथ हुई बदसुलूकी का मामला लखनऊ भी पहुंचा तो सीएम योगी ने फौरन कार्रवाई के साथ साथ जांच के भी आदेश दे दिए। जनपद अलीगढ़ में माननीय विधायक के साथ हुई घटना के संबंध में यूपी के डीजीपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, एसएसपी ग्रामीण का ट्रांसफर कर दिया गया है, आईजी अलीगढ़ को इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ के थाने में हुए इस हंगामे इलाके में हालात तनावपूर्ण है। गोंडा थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है जिसे कानून व्यवस्था संबंधी कोई भी समस्याएं ना खड़ी हो। फिलहाल विधायक और एसओ एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं जिसके जांच के आदेश सीएम योगी ने दे दिए हैं। अब देखना होगा कि आईजी अलीगढ़ की जांच में कौन दोषी पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अलीगढ़ मामले का एक वीडियो और वायरल हो गया है। एसएचओ ने विधायक से अभद्रता की है, विधायक की हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा है। थाने में बीजेपी विधायक से अभद्रता की गई एसएचओ की तरफ से और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें विधायक के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मामले में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाने में बीजेपी विधायक से अभद्रता की गई, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई है। इस वीडियो में एसएचओ ने विधायक से अभद्रता करके मारपीट करने की धमकी दी है और ये वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ मामले का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, दिखा रहे हैं आपको। अरे कहाँ नहीं करता, सुनने अपनी बात सुन। अब लड़ने के सप्तम पे वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना आज लड़ना है। ऐसा बोलता अब आप आराम से बोलते हैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। छवि है तेरी, हम आपको कह रहे हैं,
है क्या कहीं तुम्हें आगे बैठे बात करने ये मारने का क्या अधिकार है मैं कह रहा हूँ मारिए मैं कह रहा हूँ मारिए मुझे कहो तो मुझे मरना आओ अरे हाथ पैर टूट जाएंगे पर चक्कर मत पड़ना तो बड़ा छोड़ेंगे तुम्हारे ये जान दो की बहसबाजी चल रही है SHO और विधायक के बीच में। अलीगढ़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसके वीडियो बार बार बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। उमेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, ये जो तस्वीरें अलीगढ़ से सामने आ रही हैं, साफ तौर पर बयां कर रहे हैं किस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन के बीच में जो अनबन है, तनातनी है, उससे संबंधित कई ये वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया, फिर एक और वीडियो बना के वायरल किया गया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाला जो थाने का SHO है कितना गुस्से में है, कह रहा है कि हाथ पैर तोड़ दूंगा। वहीं विधायक भी वहां पर मौजूद है, कुर्सी पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये समझ नहीं आ रहा कि कौन किस पर भारी पड़ा है और पूरी लड़ाई जो है वो किस बात को लेकर है। देखते हैं ना जी, बिल्कुल जिस तरह से अलीगढ़ में बीजेपी विधायक का ऑडियो और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक और वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया पे, जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि जो SHO है सैनी, वो किस तरह से बीजेपी विधायक से बातचीत कर रहा है। हाथ पैर तोड़ देने की धमकी की बात की जा रही है, लेकिन लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो कोई बीजेपी विधायक अलीगढ़ की नहीं है। तमाम ऐसे विधायक हैं जिनकी सुनवाई वाकई में जो है नहीं हो पा रही है। शायद यही वजह है कि जो ये वाद विवाद हो जाता है और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं इनके लोगों की भी, ग्रामीणों के और तमाम लोग ऐसे जुड़े होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, और शायद यही वजह है कि विधायक के इसके पहले भी तमाम वीडियो में ये सुना जा सकता है कि जिस तरह तो लाचारी व्यक्त कर रहे हैं कि जब हम फोन करते हैं तो तुम ये कहते हो कि विधायक ने फोन किया, मैं इसमें और पैसे बढ़ा दूंगा, विधायक की मैं बात सुनता नहीं हूं। तो ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि जाता है, उसका प्रोटोकॉल होता है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, उससे सम्मान पूर्वक बातचीत होनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए, करना ना करना अलग है। अगर विधिक कार्य है, वाकई लीगल कार्य है तो आपको करना चाहिए, और लीगल है तो आपको मना कर देना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे तमाम ऐसे इशू हैं जिन इशुओं को लेकर जनप्रतिनिधि जाते हैं, जैसे कार्यकर्ताओं में कभी कभी मारपीट हो जाती है लेकिन लोग सुलह कर लेते हैं, उस पे सुलह कराने का पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं तमाम आरोप प्रत्यारोप विधायक के द्वारा लगाए गए कि जब दोनों पार्टी के लोग सुलह कर रहे हैं और हम रहे हैं, उसके बावजूद भी जो थानेदार है, जो यहाँ के पुलिस कर्मी है, ये लोग जो है जनप्रतिनिधियों को लगातार बेइज्जती का काम करते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते, और इस तरह की झड़प अब जो है सोशल मीडिया पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, वहां पे उस पे पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई भी की गई है, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपदों से, इसके पहले भी ऑडियो वायरल हुआ था, तमाम वायरल हुई थी चीजें, चाहे सीतापुर विधायक की बात कर लीजिए, जब वहां से CM कार्यालय से पूछा जाता है कि आखिर कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र में, कैसी जो चल रहा है कार्य सरकार का, तो साफ तौर पर जो विधायक है उनको उनका जो दर्द है वो सामने लगातार आ रहा है। लेकिन अब सरकार भी इस तरह के जो अधिकारी हैं या इस तरह के बकलूकी करने वाले कर्मचारी या पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी सरकार ने एक्शन करना शुरू कर दिया है, शायद यही वजह है। मंत्री ने संज्ञान तो ले लिया है, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है, अगर दो तंत्र जो आपस में काम कर रहे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो किस तरीके से जनता की मदद करेंगे। ऐसे तो आपस की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा भुगतेगा वो होगी आम जनता। बिल्कुल हीना जी, और आम जनता ही पीछती है कि अब जब पहले लोग थाने पे जाते हैं न्याय के लिए, अगर वहां पे न्याय
न्याय नहीं मिलता है तो विधायक के पास जाते हैं, क्योंकि उनका जनप्रतिनिधि होता है और इलेक्शन में उसको जीत वही जनता जीत हासिल कराती है। तो ऐसे में कहीं कहीं जन जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी अपनी जनता की बात सुनते हैं और जो सही होता है उसको लेकर वो थाने पे भी जाते हैं, पैरवी भी करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्थिति होगी और उन्हीं की बात थानेदार नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करेगा तो कहीं ना कहीं असहज की स्थिति है और विधायक भी अपने आप को असहज स्थिति में समझेंगे। ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं, ना सरकार की मशीनरी के लिए ठीक। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।